संभल से खबर है, एक ही दिन में दुष्कर्म की घटनाएं आई सामने। तीन अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म की घटनाएं आई सामने। घर में खाना बना रही महिला के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। महिला के पति को पीट कर साथियों ने छुड़ाया आरोपी। संभल के एक गांव की महिला के साथ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तमंचे के बल पर दुष्कर्म का किया गया प्रयास। महिला के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करते रहे जीजा साले। संभल में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाएं। जनपद में महिलाएं दिखाई दे रही हैं असुरक्षित। लगातार दुष्कर्म के मामलों से महिलाओं में भय। कोतवाली चंदौसी एवं गुन्नौर और थाना कुढ़ का मामला। एक ही दिन में दुष्कर्म की घटनाएं आई सामने, संभल से खबर है। संवाददाता रईस अल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ हुआ है और क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इसमें? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जनपद संभल के अलग अलग थानों का मामला है, गुन्नौर, चंदौसी और कुढ़ का मामला है। जहां चंदौसी में ये तो गांव में जो घुसकर पति को, मतलब जब घर में पति मौजूद नहीं था तब महिला अकेली थी, तब घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कुछ साथियों ने अपने आरोपी को छुड़ा लिया है, तो वहीं जीजा सालों ने वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल किया, तो ब्लैकमेल करते करते एक साल तक उसके साथ दुष्कर्म करते गए। बता दें कि इस मामले में अभी पुलिस द्वारा कुछ मामले में कार्रवाई कर दी गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अच्छा, तो अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और कोतवाली चंदौसी और गुन्नौर और थाना कुढ़ का यह मामला बताया जा रहा है।